अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत ही सिंपल सा टूल है, और एडोबी इलस्ट्रेटर में जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। और कोई भी शेप आप जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट सिलेक्शन। यस, बहुत अच्छा टूल है, सिंपल टूल है, इंटरेस्टिंग टूल है। तो चलिए सीखते हैं स्क्रीन पर। गाइज देखें, आपके सामने स्क्रीन यहाँ पे मौजूद है और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आज सीखेंगे। तो आप सबसे पहले कोई भी A4 पेज ले लें या लेटर साइज का पेज ले लें लैंडस्केप पे, और उसके बाद आप यहाँ से सिंपल सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ पे आके एक लेट सपोज एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन आपके सामने ड्रॉ हो गई है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये लाइन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट कहलाते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं इन एंकर पॉइंट को मूव करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करना होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में लेता हूँ, और यहाँ से अगर आप गौर करें तो देखें, इस एंकर पॉइंट पे आके मैं इस एंकर पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका इसी तरह से काम करता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को आप डिफरेंट एंगल में चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये रेक्टेंगल देखें आपके सामने मौजूद है। शिफ्ट प्रेस कर लीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करना बहुत ज़रूरी है इलस्ट्रेटर में ताकि आप एक्यूरेसी से काम कर सकें। एक रेक्टेंगल मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ किया। अगर आप गौर करें, इस रेक्टेंगल के भी एंकर पॉइंट्स हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन में आता हूँ, यहाँ से देखें एक एंकर पॉइंट ये है, दूसरा एंकर पॉइंट ये है। तो मैं इस एंकर पॉइंट पे वन टाइम क्लिक करूंगा और देखें मैं इसको किसी भी एंगल में मूव कर पा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा टूल है, आप किसी भी एंगल में इसको मूव कर पाते हैं। और अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट को मूव करूँ तो मैं इस वाले पॉइंट को भी मूव कर पा रहा हूँ। तो यानी किसी भी डायरेक्शन में इस पॉइंट को हम लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसको अनडू कर देता हूँ, अनडू कंट्रोल जेड, बहुत यूनिवर्सल शॉर्ट की है, हर सॉफ्टवेयर में ही अनडू कंट्रोल जेड से होता है। तो मैं यहाँ से अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन में आ जाता हूँ। और अगर मैं दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहूँ, यानी दोनों पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं इस तरह से दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ और देन शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। तो दोनों पॉइंट एक साथ मेरे सिलेक्शन में आ जाएंगे। और देखें मैं अब इसको मूव करके कहाँ लेके जा रहा हूँ। यस, तो एक इस एंगल में मैं इसको ले गया हूँ, तो एक फ्लोर टाइप का लुक दे रहा है ये। तो बहुत ही अच्छा सा टूल है, बहुत सिंपल सा टूल है। तो आप ने किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं और आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ आने के बाद हम एक अदद यहाँ से एलिप्स ले लेते हैं, यानी एक सर्किल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखें सिंपल, और इस सर्किल को जब मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या हुआ है, ये ऊपर पॉइंट्स आ गए। एक हैंडल ये है, यानी एक एंकर पॉइंट ये है। जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, देखें मेरे पास दो हैंडल आ जाएंगे, और एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो इस हैंडल को भी देखें हम मूव कर रहे हैं, तो हम इस हैंडल को भी डायरेक्ट सिलेक्शन से ही मूव कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस एंकर को यहाँ से होल्ड करके नीचे ले आऊँ तो ये देखें नीचे भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। जस्ट मैं इसको यहाँ से होल्ड करके यहाँ ले आऊँ तो एक नया शेप यहाँ मेरे पास बन के आ गया। जितने आप ग्राफिक डिजाइनिंग में शेप्स और पैटर्न देखते हैं, वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन भी उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ड्रॉ करने में, उसको डिज़ाइन करने में। तो यहाँ से देखें मेरे पास एक ये शेप ड्रॉ हुआ है। अब मैं करता क्या हूँ, बेसिकली मैं अगर यहाँ पे एक और एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, अगर इस एलिप्स को ड्रॉ करूँ शेप प्रेस करके, यानी सर्किल ड्रॉ कर दूँ, तो अगर मैं इस सर्किल का ऊपर वाला पार्ट डिलीट करना चाहूँ तो जस्ट मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, तो देखिए मेरे पास ये वाला मेरा एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, यानी वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो सिंपली डिलीट हो चुका है। तो मैं इस वाले पार्ट को यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस वाले पार्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करूँ और मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो जैसे ये वाला पार्ट भी मेरा डिलीट हो जाएगा, और फिर सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। तो किसी भी तरह से आप एंकर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, एंकर मूव कर सकते हैं, एंकर को डिलीट कर सकते हैं। गाइस देखें यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं, और क्लास को यहाँ से हम एलिप्स यूज़ करते हैं। अगर मैं एक एलिप्स यहाँ पे आके ड्रॉ कर दूँ सर्किल, और उसका शेप कुछ इस टाइप का ले लूँ, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या बना सकता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, और यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक एंकर पॉइंट एक्टिव हो गया और इसके दो हैंडल आ गए। मैं इस हैंडल को ऊपर से मूव करके यहाँ ऐसे मूव कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको अंदर ले आता है। तो यस, ये जो एक शेप बना है आपके सामने, ये शेप क्या है, बेसिकली एक मैंगो शेप है। तो
मैंगो बनाने के लिए आपको पेन टूल या कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सर्किल बना के आपने जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करना है और आपका मैंगो बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आके आप इसमें कलर फिल करना है, येलो कलर, यस। तो कलर फिल करने के लिए फिलहाल हम यहाँ से यूज कर रहे हैं बहुत सारे तरीके कलर को फिल करने के, एक तरीका यहाँ से भी हम कलर फिल कर सकते हैं और हम यहाँ स्वाचेस से भी कलर को फिल कर सकते हैं। फिलहाल आप बिगनर हैं, पहली दफ़ा या इलस्ट्रेटर आपने स्टार्ट किया है सीखना है, तो आप कंफ्यूज ना हो और सिर्फ यहाँ से यूज़ करते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर एक और शेप बनाना है मुझे, यस। तो मैंने ये शेप बनाया सर्किल से, और इसमें का अब इसमें कौन सा कलर फिल करेंगे, इसमें हम यहाँ से आके ग्रीन कलर फिल कर सकते हैं, यस। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यानी एक मैंगो का शेप बन के आ गया है और दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। तो मैं यहाँ आया और सिंपल ग्रुप की कमांड पे क्लिक किया, यस। तो मेरे पास देखिए ये दोनों ग्रुप हो गए। सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप, तब भी आप ग्रुप कर सकते हैं, शॉर्ट की भी मौजूद है कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। अगर अनग्रुप करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे, अनग्रुप हो जाएगा यहाँ से आपका पार्ट, तो ये अलग हो गया, देन ये अलग हो गया। तो दोनों तरीके हैं, अगर आप वाकई प्रोफेशनल डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट की पे महारत हासिल करना होगी, शॉर्ट कीज को याद करना होगा। कंट्रोल जी कर लें यहाँ से और एक और शेप बनाते हैं, एलिप्स में आते हैं और यहाँ से आने के बाद एक अदद में सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्किल के अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ ऑरेंज, और अब इसको क्या बनाते हैं, यहाँ से हम जस्ट अगर क्लिक करें तो अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन में आ गए और जस्ट यहाँ पे क्लिक किया तो देखें यहाँ से कुछ शेप इस साइड इस एंगल में लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मैं इसको कुछ ऑरेंज की शक्ल दे रहा हूँ, यस। ऑरेंज का शेप कुछ इस टाइप का होता है, तो हम इसको ऑरेंज का शेप दे सकते हैं और इसके ऊपर भी कुछ सर्किल बना सकते हैं। आपको लगेगा कि यार बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ मैं, यस। तो भाई सिंपल ही करना है, अभी हम इसमें बहुत ही बिगिनर लेवल पे इलस्ट्रेटर को सीख रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत एडवांस लेवल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग पहली दफ़ा इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों को सेलेक्ट कर लें, मुझे आउटलाइन ब्लैक नहीं चाहिए, बुरी लग रही है, तो मैं इस आउटलाइन को भी चेंज कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ पे आऊँगा आउटलाइन पे और यहाँ से इसको नन कर दूंगा, यस। तो मेरी आउटलाइन क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। दोनों को सेलेक्ट किया, होल्ड किया और कंट्रोल जी, यस। ग्रुप, ग्रुप से क्या होगा, मेरा शेप जो है वो दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। इसको इसकी लाइन भी जो है ब्लैक मुझे बुरी लग रही, तो मैं इसकी लाइन भी यहाँ से आके नन कर देता हूँ। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट की लाइन यहाँ पे नन हो चुकी है। एक और शेप बनाते हैं लास्ट, और लेट सपोज मैंने यहाँ पे अगर इस तरह का एलिप्स बना दिया। बनाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करने से पहले आप यहाँ से इसको नन कर सकते हैं, आउटलाइन इसकी आप ब्लैक कर दें ताकि आपको फिल नन मिले और आउटलाइन जो है वो आपको ब्लैक कलर की मिल जाए। यहाँ से आके जस्ट मैंने देखो इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया और यहाँ पहुँचने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन में आ गए और यहाँ से जस्ट मैंने ये होल्ड किया, यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ मूव किया, थोड़ा सा यहाँ टिल्ट कर दिया, तो ये कुछ स्ट्रॉबेरी टाइप का शेप बन गया। स्ट्रॉबेरी यहाँ हमारे पास कुछ इस शेप में होती है। तो अभी मैं मज़ीद इसमें पेन टूल यूज़ करके इसको मज़ीद मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, आगे की क्लासेस में हम बहुत सारे शेप्स बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो क्योंकि ये बिगनर सीरीज़ है तो आपको बहुत ईजी लेवल पर आपको चीज़ों को सिखाना है मैंने यहाँ पर, तो मैं कोई एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता आपको लगे या सर आप बहुत ही बेसिक लेवल पर शेप्स बता रहे हैं, तो यस इन तीनों को मैंने एक साथ बना लिया। इन तीनों को एक साथ रखना चाहूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ और सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ, और ग्रुप करने के बाद मैं इसको होल्ड करके बाहर रख देता हूँ। तो गाइस देखें अभी हम यहाँ से मजीद क्या करते हैं, एक अदद बॉक्स बनाते हैं अच्छा सा। तो इसके लिए फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं अगेन। और अगर आप उससे पहले मज़ीद कुछ ऑप्शन देखना चाहें तो पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। पॉलीगॉन बनाने के बाद आप उस पॉलीगॉन के एंकर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से सेलेक्ट करें तो किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके जाया जा सकता है। लेट सपोज मैं इसको यहाँ लेके आ गया कोई एक अदद शेप बनाने के लिए, यस। और इसको होल्ड करके मैं किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, यस। तो ये सारे काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करेंगे। लेट सपोज अगर कि स्टार ड्रॉ कर दिया तो स्टार के जो सारे ऑप्शन है वो भी मैं एक साथ होल्ड कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ और किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके जाया जा सकता है। ये आपके सामने मौजूद है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर को ही मूव कर रहा है और देखेंगे एक अजीब एक लुक, नए लुक का शेप यहाँ आपके सामने बन चुका है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा। और मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर एक अदद बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, तो मैं बॉक्स बनाता हूँ।
तो सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पे आके रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या यूज़ किया, सेलेक्शन टूल। सेलेक्शन टूल पे आया, और उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे ताकि हमें आसानी से नज़र आए कि बॉक्स कैसे बनता जा रहा है। तो कोई भी कलर आप ले सकते हैं, और मैं यहाँ से आपको येलो कलर फिल कर लेते हैं हम, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल की अब डुप्लीकेट बना लेंगे। यस, और डुप्लीकेट जब बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, और अब हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे और इसके दोनों पॉइंट्स को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको किसी भी डायरेक्शन में ला सकते हैं। यस, तो एक रियलिस्टिक लुक हमें देनी है बॉक्स को, तो रियलिस्टिक लुक हमारी कहाँ आएगी, यहाँ पे रियलिस्टिक लुक आ सकती है, बॉक्स बिल्कुल जेन्युइन लगे। तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट और शिफ्ट, और अगेन मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया इस डायरेक्शन में, और राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो ये टॉप पर है और ये बॉटम पर है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको बॉटम पे भेजना होगा। तो राइट क्लिक किया, और अरेंज में आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड टू बैक कर देता हूँ। यस, तो सेंड टू बैक किया, तो ये मेरा बॉक्स पीछे चला गया। और अगेन मैं इसको होल्ड करता हूँ यहाँ पे लाके, और इस रेक्टेंगल की भी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अरेंज में आते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से सेंड टू बैक। अगर वापस आगे लाना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, और सेंड टू बैक क्या करेगा, यस नाम से ही जाहिर हो रहा है यार, सेंड टू बैक का मतलब है पीछे भेज दें, तो मैं इसको सेंड टू बैक करके यहाँ से पीछे भेज देता हूँ। तो यहाँ पे एक अदद बॉक्स मैंने बना लिया है, और इस बॉक्स को और अच्छा करते हैं, और अच्छा कैसे करेंगे कि हम इसके यहाँ पे कुछ फ्लिप बनाएंगे, यानी इसके जो ऊपर का एरिया कवर करने के लिए जो इसके फ्लिप होते हैं वो उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अगेन मैं इसको ऑल्ट प्रेस करता हूँ, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ, और इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और होल्ड करने के बाद देखें हम इसको इस तरह से यहाँ ले आते हैं, और जब ये बन चुका है तो मैं इसको क्या करूँगा, ला के वापस अपनी जगह पर फिट कर दूंगा। यस, बस याद रहे कि आपके पास स्मार्ट गाइड एक्टिव होनी चाहिए, और स्मार्ट गाइड कहाँ से एक्टिव होती है, व्यू में आके स्मार्ट गाइड को एक्टिव करें, ताकि आप ड्रॉ करने में आपको हेल्प मिलती रहे। और इस साइड पे भी मुझे बनाना है, यस, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, और मैं इसको इस साइड पे भी ले आऊँगा, डुप्लीकेट बनाऊँगा, देन ला के देंगे इस डायरेक्शन में, इसको फिट करूँगा, और कुछ इसकी लुक और बेहतर करते हैं। एक ये पॉइंट होल्ड करते हैं, एक ये पॉइंट होल्ड करते हैं, दोनों पॉइंट होल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस तरीके से। ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जहाँ आपको बेहतर लगे। मुझे फिलहाल ये ऐसे कुछ बेहतर लग रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में इसको ले लेता हूँ। और अगर आप देखें तो अब ये वाला पार्ट रह गया और ये वाला पार्ट, तो उस दोनों पार्ट पे अगेन बना लेते हैं, और अगेन वही काम, डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद थोड़ा सा इसको होल्ड करके नीचे लाए, और डायरेक्ट सिलेक्शन में आया, अगेन ये पॉइंट होल्ड किया, देन ये पॉइंट होल्ड किया, दोनों पॉइंट को होल्ड करने के बाद यहाँ पे लेके आ गए, क्लिक सेलेक्ट, और यहाँ पे आके अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे यस प्लेस कर देता हूँ। यस, तो तीन पार्ट हमने बना लिए हैं, तो लास्ट पार्ट हमारा रह गया। तो लास्ट पार्ट कैसे बनेगा, अगेन बार बार मेहनत नहीं करनी, एक बना लें उसी की डुप्लीकेट बनानी है। यस, तो मैंने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसी की डुप्लीकेट बना दी, ये देन गुड। यहाँ पे कुछ इस टाइप का लुक आ गया, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देनी होगी। रियलिस्टिक लुक क्या होगा, यस, तो कुछ इस तरह से इसको ओपन नीचे भी दिखा सकते हैं, हम नीचे नहीं दिखाएंगे, हम इसको जस्ट यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक देखें गाइस, मेरे पास ये एक बॉक्स बन के आ चुका है। अभी इस बॉक्स पे थोड़ा काम और बाकी है, वो काम भी हम कर लेते हैं। और अच्छी लुक देना है तो यस, तो मुझे एक एक बॉक्स के साइड का कलर चेंज करना होगा। वैसे तो हम ये काम ग्रेडियंट टूल से करते हैं, अभी हमने ग्रेडियंट सीखा नहीं है, तो हम जितना बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसी बेसिक लेवल के काम को फॉलो करते रहें अगर आप सीखना चाहते हैं। और यहाँ से सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देते हैं, कलर में वेरिएशन लाएंगे तो लुक और अच्छी लगेगी। यहाँ से थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन कलर ले लेता हूँ, डार्क येलो कलर सॉरी, और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ से ये डार्क है तो ये लाइट सही रहेगा, तो पीछे वाले को डार्क कर देते हैं यहाँ से, और यस, तो ये लाइट येलो, ये डार्क येलो, फिर ये डार्क येलो, फिर ये लाइट येलो, और यहाँ फ्लिप जो हमने बनाया है ऊपर का एरिया जो कवर करने के लिए हमने बनाया है रेक्टेंगल, यस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर ले लेते हैं। यस, तो ये कितना ऑसम लुक दे रहा है, और इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं। यस, और इनको भी हम लाइट ग्रीन कलर ही दे देते हैं, ताकि एक जैसा सिमिलैरिटी आ जाए ऊपर वाले पार्ट में।
तो कुछ इस टाइप की लुक आ रही है। ये लुक और ऑसम जब लगेगी जब मैं इसकी आउटलाइन को खत्म कर दूंगा। तो मैं इसकी आउटलाइन को कैसे खत्म करूंगा, मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा सारे रेक्टेंगल्स को, यस पूरे बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ आ गए गाइस, यहाँ पे नन, यस हमने इसकी आउटलाइन को क्या कर देना है, यहाँ से नन कर देना है। यस तो मैं इसको नन करता हूँ, यस तो ये देखें आपके सामने एक कंप्लीट लुक इस बॉक्स की आ रही है। मजीद इसमें काम किया जा सकता है, नीचे शेडो शेडो बनाया जा सकता है, रियलिस्टिक लुक आ जाएगी। फिलहाल हम उस लेवल पे नहीं जा रहे कि आपको कुछ भी मुश्किल हो। यस तो ये देखें एक ऑसम किस्म का लुक आ गया है इस बॉक्स का। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं और उसको उससे काम लेते हैं। गाइज आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास पे जम करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। तो यस मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स का जवाब दूँ और आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।